मतलब ये कर्व है, इस पर उस पॉइंट को फाइंड करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जहां पर जो है वाई कोऑर्डिनेट जो है ना उसका रेट ऑफ चेंज एक्स के रेट ऑफ चेंज के 2 टाइम्स है। यानी कि यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, ये कर्व का इक्वेशन गिवन है उसमें करेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी साइड्स। बताइए डेरिवेटिव क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू टी। 2x² प्लस डी 1 डी इनटू वाई ओवर डी टी इनटू इक्वल टू 2/3 3x² dx ओवर डी टी, यस ये हो गया। इज इट क्लियर ना। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो डी वाई ओवर डी टी है ना, ये वैल्यू जो है 2 टाइम्स ऑफ dx ओवर डी टी यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx ओवर डी टी इक्वल टू 2/3 3x² dx ओवर डी टी। यस इज इट क्लियर और नॉट, सिंस डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी, राइट। यस तो यहां पर ये हमने लिख दिया डी वाई ओवर डी टी का ये वैल्यू जो ये है, ठीक है ना। अब देखें आप, डी एक्स ओवर डी टी से कैंसिल हो जाएगा ये, राइट। पांच और यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे या 3 से 3 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू +-1, समझे नहीं। तो यहाँ पर जो है वी विल यस टेक टू वैल्यूज ऑफ एक्स, व्हेन एक्स इक्वल टू 1 देन वाई इक्वल टू 2/3 इंटू 1³ +1, कहाँ से, यहाँ से जो गिवन इक्वेशन है, राइट। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 टू +1 यानी +1 कि 5/3, राइट। तो पहला फाइव क्वाड्रेंट बाई हो थ्री गया यस 1, 5/3, राइट। और सेकंड हम लेंगे व्हेन हाँ सर एक्स माइनस इक्वल टू वन -1, एक्सेस में तो वाई इक्वल टू कितना होगा, 2/3 -1³ +1, सो वाई इक्वल टू -2/3 +1, राइट। सो दिस यस विल बी 1/3, राइट। तो हाँ कोऑर्डिनेट्स सर क्या हो गया, दूसरा सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1, 1/3। 1 by 1 तो देर आर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मालूम पड़ गए हमको। इन दोनों पॉइंट पर जो रेट ऑफ चेंज वाई होगा वो 2 टाइम्स होगा एज रेट ऑफ चेंज एक्स, राइट। यस सर आप क्लियर हुआ पॉइंट, बताइए। हाँ सर ओके, और कोई डाउट। यस अच्छा ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इफ वाई कस्टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 - x -√x रूट ऑफ 1 - x² और आपको फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो है एक्स जो है 0 to 1 लाई कर रहा है, ठीक है, 0 to 1 इनके बिटवीन। अब आप बता सकते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम। देखो आपको ये तो पता है, पहले ऐसे करेंगे सिंपलीफाई, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा ये, सब सर वो सिंपलीफिकेशन भी आ जाता है। फॉर्मूला सर वो एक्स इंटू वन एक्स इंटू वन √1 - x और वाई √1 - x² वो वाला फॉर्मूला मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई, ये वाला हाँ फॉर्मूला सर क्या हाँ होता है, सर बताइए बताइए, याद है, साइन साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 - y² माइनस वाई रूट ऑफ 1 - x², राइट, यही होता है ना।
ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है सर इसका? ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है बिल्कुल। अब आपको देखना है किसको आपको एक्स मानना है किसको वाई मानना y इज इक्वल टू अंडर है। रूट इसे आप x, लिख सकते हैं वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो आपका ऐसे रहने दो, इसे लिख सकते हैं 1 - √x का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि वाई स्क्वायर को यहाँ बता रहा है वाई स्क्वायर, ये गलत लिख दिया क्या हमने, सही लिखा है ना, ठीक है ये बता रहा है ना ऐसे वाई स्क्वायर राइट, यस रूट ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस का रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स का मतलब वाई हो गया कि नहीं, ये वाई का स्क्वायर हो गया, ये वाई हो गया, और रूट ऑफ 1 - x² आप इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स राइट, यस आप कर लेंगे डेरिवेटिव, dy ओवर dx इक्वल टू 1 √1 - x² - 1 √1 - √x² और रूट ऑफ एक्स को एक्स माना था हमने, उसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई राइट, यस ये आ जाएगा रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एक्स ले देंगे यहाँ पर, इज इट क्लियर। यस तो आज जो बताने वाले हैं हम बताने वाले हैं आपको अगला टॉपिक, उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को अगला टॉपिक है उसे बताते हैं। अगला टॉपिक देखो क्या है, अगला टॉपिक है क्या बताइए, देखो इस एक्सरसाइज को पूरा करना है 6.1 में, देख लो एक बार मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन, आप एक बार देख लो 6.1 में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ओके अगर कोई लग रहा है क्वेश्चन बताने की जरूरत है उसे मैं बताऊंगा, ठीक है, वैसे क्वेश्चन है 14 में बताई दे रहा हूँ आपको, ठीक है 14 क्वेश्चन बताने का है थोड़ा सा उसे मैं देखता हूँ, क्वेश्चन है 14 देखो एक बार, एक बार क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो आप, उसके बाद हम इसे बताते हैं। एक पाइप में से जो है सैंड जो है ये गिर रही है और नीचे की तरफ एक कॉन बन रहा है, ठीक है ना, एक कॉन टाइप का एक बन रहा है ये इस टाइप का, ठीक है, और ये इस तरह से जनरेट हो रहा है कॉन, कॉन के इसका जो बेस है ना, बेस का जो रेडियस है या इसका हाइट जो है कोन का, इसका जो हाइट है, इसका हाइट जो है वो कितने टाइम्स है रेडियस के, ये दे रखा है देखो, 1/6 ऑफ द रेडियस इसका मतलब ये हुआ कि हाइट इज इक्वल टू वन बाय सिक्स अगर ये है ना रेडियस, मतलब हर एक पल मतलब इस तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, इसका हाइट जो है आर, आर यस का 1/6 टाइम रहे है हमेशा, ठीक है ना, हाँ सर चाहे ये कोण कितना ही बड़ा हो जाए चाहे छोटा हो लेकिन ये रेशियो सेम रहता है राइट, इन्होंने क्या यस सर रखा है क्योंकि कोण तो बड़ा होगा अगर सैंड यहाँ से गिर रही है तो, ठीक है ना, तो वेरिएबल हो गया सब यस कुछ लेकिन ये रेशियो सेम रहता है, ठीक है, और रेट ऑफ इसका जो सैंड है ना, जो सैंड है उसका रेट क्या दे रखा है गिरने का, 12 सेंटीमीटर Well, क्यूब पर सेकंड इसका मतलब दे रखा है बेटा यहाँ पर जो इसमें सेंड आ रही है उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड राइट, ये गिवन है, और क्या गिवन है, और पूछा क्या है, हाउ फार हाइट इज इंक्रीजिंग ये इन्होंने विद द पूछा है हाइट ऑफ डी फोर एच सेंटीमीटर ओवर डी टी, और ये जब पूछा है जब आर इक्वल टू कितना हो फोर ये नो पूछा सर है, एच इज चलिए इक्वल टू
H is equal to 4. अच्छा H इक्वल टू 4 है, ठीक है। H इक्वल टू 4 है। चलिए जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं हम। पहले कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 pi r square. कॉनिकल सेंट v इक्वल टू 1/3 pi r square h। तो dh ओवर, पहले क्या करते हैं हम ट्राई करते हैं, ये v का फंक्शन है, देर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल r एंड h। तो आप बताइए v जो है r और h का फंक्शन है कि नहीं? आर भी चेंज हो रहा है, एच भी चेंज हो रहा है। तो फर्स्टली वी विल चेंज दिस फंक्शन इनटू वन वेरिएबल ओनली, देर आर टू वेरिएबल नाउ आर एंड एच। तो कैन यू कन्वर्ट इट इनटू वन वेरिएबल? इज देयर एनी रिलेशन टू कन्वर्ट इट इनटू वन वेरिएबल? आर की जगह एच की जगह आर बाय सिक्स, अब एच के प्लेस पर आर बाय सिक्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर हो जाएगा, राइट? यस सर। और पूछा क्या डी एच ओवर डी टी, तो हम ट्राई करेंगे इन टर्म्स ऑफ एच बनाना इसे, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं? तो यहां से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6h। यस, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ एच। व्हाई? इज इट क्लियर? बिकॉज़ वी आर डिफरेंशिएटिंग इट। यस, तो हो जाएगा 36h² × h, राइट? Yes, sir. आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए, इससे कैंसिल हो जाएगा 9, कितने टाइम्स होगा 12 टाइम्स, राइट? 12 पाई एच क्यू डी बी ओवर डी टी, सो दिस विल बी 36 पाई एच स्क्वायर टी एच ओवर डी टी, राइट? And you know this is given, right? This is 12. दे रखा ना dv over dt ये वाला। तो बताइए यहाँ से dh over dt कितना हो जाएगा? 12 में जब 12, 12 3 जा 36, कितना होगा 1 upon 3 पाई एच, राइट? 1/3 पाई। तो डी एच ओवर डी टी व्हेन एच इक्वल्स टू 4, सो दिस विल बी 1/3 pi × 4, राइट? 1/12 pi, सो दिस विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर ना? यस। आप देखो पाई में आंसर दे रखा है या पॉइंट में दे रखा है, दोनों से आ जाएगा, पाई के टर्म में ये होगा और पॉइंट में निकालने के लिए पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 22/7, राइट? ओके। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, 13 बिल्कुल वैसा ही है जो हमने, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कर लोगे आप? हाँ सर, हो जाएगा ना? यस। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी कराया था स्टार्टिंग में हमने, उसने दे रखा है 8 टाइम्स, ठीक है ना? डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx over dt, right? Yeah. नहीं, ये कैसे करोगे 11? हाँ वैसे ही कर देंगे, ठीक है वैसे ही कर लेना, ठीक है? यस, बिल्कुल सेम ही तो है बिल्कुल ना? यस। Yes. अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार, 10 क्या, 10 कैसे करेंगे?
इसी का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन समझा दूं मैं क्या कह रहा है। ये एक लैडर, एक 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 वॉल है और ये ग्राउंड है। इस वॉल पर एक लैडर जो है ये लगी हुई है लैडर, ठीक है ना? ठीक है, हाँ सर। और जो है ये लैडर जो है ना, ये लैडर जो है ये कह रहा है, ये लैडर को जो है पुल किया जाता है। देखो एक बार क्या कह रहा है, पुल किया जाता है अलोंग द ग्राउंड, ठीक है ना? ये पुल किया जाता है इधर, राइट? यस सर। और लैडर का लेंथ दे रखा है 5 मीटर, राइट? और पुल किया जाता है, किस रेट से पुल किया जाता है? टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, इसका ये वाला लेंथ, तो मुझे बताइए कैन यू रिलेट एक्स एंड वाई by some formula or relation? No, you can apply the Pythagoras theorem, right? Tan theta also, but theta we don't know, right? But hypotenuse given, so we can relate these x and y by the formula x square plus y square equals to 25. Got it? Yes. तो फर्स्टली व्हेन रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स आर नॉट गिवन, सो वी विल ट्राई टू रिलेट दोज वेरिएबल, राइट? यस। समटाइम्स दिस रिलेशन विल बी गिवन एंड समटाइम्स वी नीड टू थिंक हाउ कैन वी रिलेट देम, राइट? हाउ कैन वी रिलेट दीज वेरिएबल्स, सो यू कैन अप्लाई some basic formulas that you know already, right? Like this relation nahi given tha, right? To hume relation humne bana liya hai. To abhi kya karna hai humko, abhi jo given hai wo dekh lete hain, dx over dt. Ab mujhe bataiye ye jo rate of change hai x ka with respect to time, ye positive hai ya negative hai, bataiye? Positive, kyunki ye badhega na idhar hai to x बढ़ेगा, तो ये होगा पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? यस। आप पूछा क्या है ये बताइए मुझे, ये पूछा है किस रेट से ये नीचे की तरफ इंक्रीज होगा, ये पूछा है, यानी कि ये पूछा है डी वाई ओवर डी टी। इट इज इजी टू फाइंड, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, सारे जो यूनिट्स है वो सेम होने चाहिए। ये मीटर में है बट ये सेंटीमीटर में है, समझे मेरी बात? नहीं तो क्या करेंगे, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप। मीटर में क्या हो जाएगा, 0.02 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट और नॉट? अभी क्या करना है, यहाँ करो आप डिफरेंशिएटिंग with respect to t both side, got it or not? So after differentiating both side with respect to t, what will you get? Hello yes, what will you get? Hello, after differentiating both sides with respect to x, with respect to t, what will you get? 2x
into dt dx by dt plus 2x dx by dt by dt plus 2 plus by 2y dy over dt, right? Equals to 0, right? So you know this is given. 2x or firstly we have to find dy over dt, right? So yes. Transposing 2x dx over dt equals to minus 2x dx over dt, right? Yes. 2 to cancel out. So this will be y dy over dt minus ka x, and dx over dt is given 0.02, right? So dy yes. over dt equals to minus ka 0.02 x upon y. Is it clear? Yes. So you have to find dy over dt when x equals to 4, right? We have to find dy over dt when x equals to 4. But here dy over dt in terms of x and y both. So what we have to do? What we need to do? There are two values x and y, but we are given yes. only one value. Well, we have to replace y with the value of x. Yes, we have to convert. We have to put the value of y in terms of x from this relation, right? So yes, y sir. Will be root of 25 minus x square, right? So this will be 0.02x upon root of 25 minus x square. Got it or not? Dy over dt when x equals to 4. So this will be the answer. Okay. 25 minus 16. So this will be 0.0208 ho jayega ye. Upon kitna hoga ye? 3. Right. Meter. Per second, right? Yes. और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड. आंसर देखो यही आ रहा होगा फिर. Yes. बस बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे अच्छे से, ठीक है ना? अब जो है हमें चलना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पर, ठीक है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. हेलो. यस बेटा, एक बार जो है 6.3 है ना, 6.3 जो दे रखा है ना आर्टिकल, वो इसका जो दे रखा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. हेलो. यस. देखो ये जो है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर देखो, आप जैसे y इक्वल्स टू लिखा है x स्क्वायर और लिखा है y इक्वल्स टू 1/ या यहाँ पर जो है ये भी x स्क्वायर है, ठीक है ना? यहाँ पर जो है x इज लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, राइट? और यहाँ जो है x इज ग्रेटर देन 1 है. तो बताइए कौन सा फंक्शन ऐसा है, यानी कि आपको ये बताना है कि x का वैल्यू इंक्रीज करने पर, यहाँ पर इस वाले केस में अगर x का वैल्यू इंक्रीज करते हैं हम तो y का वैल्यू डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? इंक्रीज. और x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 0 to 1, 0 और 1 के बिटवीन है. चलिए 1/2 ले लेते हैं. डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा ना? यस सर. 0 1 डिक्रीज होगा नहीं होगा बताइए.
डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज होगा। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर, एक बार समझो आप ये बात कैसे कह रहे हैं आप, डिक्रीज होगा। अगर मान लेते हैं एक्स जो है बढ़ाते हैं, हाँ कैसे पता है आपको ये बात? चलो मैं बताऊं आपको, आप ऐसे समझे, अभी आप रीजॉइन करना मीटिंग को, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है। हेलो 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 हेलो, यस सर, यस सर। देखो मैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जब तक कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ ऐसे करेंगे, नए सिरे से स्टार्ट, नए उसमें क्या कहते हैं, अभी रिजॉइन करेंगे ना आप तब, ठीक है। हाँ सर, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसे आपको घर पे करना है। जो क्वेश्चन है वो ये है, ये है क्वेश्चन आपका, एफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो, और ये आपका रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ एक्स और माइनस फोर है अलग, ठीक है ना, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फॉर